हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पनेशिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेमीकंडक्टर्स एंड हाउ सेमीकंडक्टर्स कैन हेल्प अस अचीव आर इकोनॉमिक गोल्स सेमीकंडक्टर्स को लेके पिछले एक दो तीन सालों में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ है और इनफैक्ट इंडिया की गवर्नमेंट भी इसको एक मिशन मोड में आगे लेने के लिए चल रही तो हम आज जानेंगे कि सेमी होते क्या हैं उनके एप्लीकेशंस क्या हैं प्रेजेंटली सेमी कंडक्टर्स की मैन्यूफेक्चरिंग और यूजेज में सिनेरियो कैसा चल रहा है भारत ने सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में क्या कदम उठाए हैं और साथ ही साथ फ्यूचर में इंडिया इस सेमी कंडक्टर्स की लाइन में क्या आगे कर सकता है सेमी कंडक्टर्स आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन द वर्ल्ड इन मोर वेज देन वी कैन इमेजिन इट इज अवर कलेक्टिव एम टू एस्टैब्लिश इंडिया एज वन ऑफ द की पार्टनर्स इन ग्लोबल सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन्स बेसिकली हमें जानना है सेमीकंडक्टर होता क्या है नाम से पता चलता है कि सेमीकंडक्टर मतलब जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि बिजली को इलेक्ट्रिकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो पावर है वो इंसुलेटर से ज्यादा है और कंडक्टर से कम है मतलब जो कॉपर वायर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं उनसे कम कंडक्टिविटी है और ग्लास जो कि एक इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का उससे ज़्यादा है तो मिडल में लाया करता है कंडक्टिविटी की इन प्रॉपर्टीज की वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस के अंदर यूज किया जा सकता है जो हम आगे कुछ ही देर में पढ़ेंगे इसमें इंप्योरिटीज यानी कि दूसरे एलिमेंट्स एड करके जैसे जर्मेनियम बोरॉन फॉस्फोरस ये एलिमेंट्स ऐड करते हो तो इनको एक प्रॉपर डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो सिलिकॉन जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड ये तीन पदार्थ जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन और सिलिकॉन हमें मिलता है सैंड से जी हां जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो शुरुआत में सैंड होती है रेत होते हैं और वहां से सिलिकॉन डाइऑक्साइड से शुरू होकर वो आपके इंटेल माइक्रोसॉफ्ट ए के चिप्स या सेमी चिप्स बनते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये सेमी कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है सेमी कंडक्टर चिप्स स्पेसिफिकली अगर मैं चिप्स की बात करता हूं तो वो अलग अलग टाइप की हो सकती है फॉर एग्जाम्पल मेमरी चिप मेमोरी चिप जैसे कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसको हम रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी या रॉम कहते हैं साथ ही साथ माइक्रोप्रोसेसर्स

सेल डिवाइस देखा होगा जिसके ऊपर आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड एंटर करते हो इन सब के अंदर इंटेग्रेटेड सर्किट यानी इस तरीके की है। है और में द्वारा बनाई गई एम चिप इसकी एक एग्जाम्पल है और इस सिस्टम ऑन चिप में सभी तरीके की चिप्स एक ही वेफर के ऊपर आ जाती है तो मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं खाने की चीज की बात कर रहा हूँ बट नहीं एंड सो कॉम्पैक्ट कि अब आप एक ही चिप के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर रख सकते हो मेमोरी रख सकते हो इनपुट आउटपुट रख सकते हो ग्राफिक कार्ड रख सकते हो और वो सारा एक छोटी सी चिप के अंदर आ जाएगा और वो आपके फोन या टेलीफोन डिवाइस के अंदर आ सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमी चिप्स अब इनका इस्तेमाल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टीवी लैपटॉप वॉशिंग मशीन के अंदर हो सकता है या एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में जो स्मार्ट वॉच है आपकी कार के अंदर ये डिवाइस फिट होते हैं आपके कैमरास के अंदर ये डिवाइस फिट होते हैं आपके फोन के अंदर एम्बेड किए जाते हैं इवन की मेडिकल पर्पसेस के लिए आपके बायोनिक चिप्स आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जा सकते हैं तो आप देख सकते हो कि एम्बेडेड सिस्टम्स एक एप्लीकेशन है आप इन सेमी को थर्मल कंडक्टिविटी या टेम्परेचर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि हीट पड़ने पे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है लाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो डिस्प्लेज के अंदर जो अलग अलग तरीके की डिस्प्लेज होती है ओलईडी एलईडी इन सब के अंदर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है तो आपको यह भी जानना होगा कि सोलर सेल सोलर पैनल सोलर मॉड्यूल इन सब के अंदर भी सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है और सेमीकंडक्टर्स इस वजह से इतनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे आज की इकोनॉमी के अंदर बन गए सेमीकंडक्टर्स की एप्लीकेशंस देखिए तो सबसे ज्यादा आज के टाइम में वो स्मार्टफोन में इस्तेमाल होते हैं फिर कंप्यूटर्स के अंदर फिर स्टोरेज डेटा सेंटर्स के अंदर यानी जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जहां पे आपका सारा डेटा स्टोर किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऑटोमोटिव यानी कि कार्स के अंदर इनफैक्ट पहले क्या होता था कार्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वो इलेक्ट्रॉनिक से यानी सेमीकंडक्टर से आती है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कितनी वास्ट और कितनी वाइड प्रेजेंटली ये 400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सेमी चिप्स की दो तक ये एक ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी और आप ये भी देख सकते हैं कि आज के टाइम में भी सेमीकंडक्टर विश्व का चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाला प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल मोटर पार्ट्स और रिफाइंड ऑयल के बाद ये सबसे ज्यादा व्यापार के अंदर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एक सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है बहुत ही लंबा चौड़ा जैसे मैंने आपको बताया सैंड में से आपको सिलिकॉन निकालना पड़ता है एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उसमें से आप एक बड़ा सा सिलेंडर बनाते हो सिलिकॉन का उसमें से पतली पतली शीट्स निकालते हो और फिर इसकी प्रोसेसिंग करते हो तो बेसिकली सेमी बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको उसका डिजाइन सोचना पड़ता है फिर उस डिजाइन को आप पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा उस डिजाइन को फाइनलाइज किया जाता है और इस डिज़ाइनिंग में इंटेल और ए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं मैक्स मैक्सिमम जो डिजाइनिंग होती है वो यही कंपनीज करती है फिर आती है फैब्रिकेशन की प्रोसेस यानी कि जिस प्रोसेस के अंदर आप उनमें से वेफर्स को निकालते हो और सिलिकॉन के वेफर्स के ऊपर आप अपना प्रोडक्शन शुरू करते हो ये फैब्रिकेशन प्रोसेस फाउंडरीज में किया जाता है और ये जो प्रोसेस है बहुत ही एक्सपेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव होता है एक फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करने के लिए तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लगती है और ये तो मैं मिनिमम कह रहा हूं मैक्सिमम 20 बिलियन डॉलर की भी लग सकती है एंड 20 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा होते हैं ये आपको पता होना चाहिए इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर यानी कि नेक्स्ट टर्म आती है नेक्स्ट सेटअप आता है जिसमें आप उसके ऊपर लिथोग्राफी करते हो तो बेसिकली जब आप सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर वो छोटा छोटा सा डिजाइन जो आप देखते हो ना वो फोटो लिथोग्राफी से बनता है अल्ट्रा यूवी लाइट जो होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है वो उसके अंदर डाली जाती है बहुत ही नैरो मार्जिन से डाली जाती है और उस एनवायरमेंट में एयर कंट्रोल करना डस्ट कंट्रोल करना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये वाली मेथडोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव है वर्ल्ड की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर बनाने में लगती है ये जो लिथोग्राफी की मशीन है ये सिर्फ एक ही फॉर्म बनाती है दुनिया में वो है नीदरलैंड्स की ए तो आप देख सकते हैं कि एक सेमीकंडक्टर बनाने में कितनी स्पेशलाइजेशन चाहिए फाइनली सेमीकंडक्टर्स की पैकेजिंग होती है उनकी असेंबली होती है उनकी टेस्टिंग की जाती है 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 वाला जो प्रोसेस काफी हद तक वर्ल्ड में तरीके से किया जाता है। मतलब कि बहुत सारी कंपनीज कंपनी काम कर सकती है इनफैक्ट In इंडिया में भी असेंबली पैकेजिंग टेस्टिंग के लिए काफी सारी फैसिलिटीज हैं और इंडिया में जो आखिरी स्टेज होता है यानी कि जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है वो होती है तो चिप्स जो फाइनल स्टेज पे आ चुकी होती हैं उसको आप अपने डिवाइसेस में लगाते हो असेंबल करते हो पैकेज करते हो उसको ये प्रोसेस के अंदर इंडिया में भी किया जाता है लेकिन अब इंडिया का टारगेट है कि हम बाकी स्टेप्स के अंदर भी अपने आप को इन्वॉल्व करें अगर हम वैल्यू चेन पे नजर डालें यानी हर एक स्टेप कहां कहां पे कौन सी कौन सी कंट्रीज में होता है तो हम देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन में सिर्फ पांच छह पार्टिसिपेंट है यूएस चाइना ताइवान साउथ कोरिया जापान ईयू यूके तो यही सिर्फ कुछ कंट्रीज है जिनके अंदर सेमी की या तो डिजाइनिंग या फ्रंट एंड मैन्युफैक्चरिंग या बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है फ्रंट एंड मतलब जहां पे वेफर को बनाया जाता है और बैक एंड यानी कि जहां पे उसकी असेंबली और टेस्टिंग की जाती है असेंबली और टेस्टिंग के मामले में चाइना और कोरिया बहुत आगे है इनफैक्ट यहां पे सबसे ज्यादा ये वैल्यू चेन का काम किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग यानी चिप्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में ताइवान सबसे आगे ताइवान कैसे? आप यहां देख सकते हैं ये का है, और की में, ताइवान की जो उसका सबसे बड़ा शेयर फाइव परसेंट जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सेमीकंडक्टर चिप्स की वो ताइवान में होती है और साथ ही साथ सैमसंग जो एक कोरियन कंपनी है वो भी इसमें पार्टिसिपेंट है आप समझिए आज के जमाने में एक चिप को डिजाइन करना और उसको फैब्रिकेट करना उसको असेंबल करना टेस्ट करना ये सब कुछ एक कंपनी नहीं करती तो डिजाइन एक कंपनी करती है फॉर एग्जाम्पल इंटेल ने अपनी चिप का डिजाइन कर दिया और उसकी फैब्रिकेशन के लिए टीएसएमसी के पास भेज दिया ताइवान के पास भेज दिया फैब्रिकेशन होने के बाद उसकी असेंबली और टेस्टिंग करने के लिए चाइना के पास भेज दिया और असेंबली और टेस्टिंग होने के बाद वापस उसको वो ले आए तो ये एक प्रोसेस चलता है और इस प्रोसेस में इंटेल जो है उसको कहा जाता है काफी हद तक कहा जाता है फैबलेस डिजाइनर फैबलेस डिजाइन कंपनी मतलब फैब फैब्रिकेशन नहीं करेगा वो तो इसका मतलब कि आज के टाइम पे वैल्यू चेन में बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है लेकिन भारत इसमें कहीं नहीं है। और इसी का दुख हमें ड्राइव कर रहा है कि हम सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं अगर मैं कंपनीज की तो करूं तो परसेंट मार्केट शेयर यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज का है 22% परसेंट साउथ कोरिया का है साउथ कोरिया इज सैमसंग बेसिकली सैमसंग सबसे बड़ी कंपनी ताइवान का नौ तो आप देख रहे हैं कि यह मार्केट शेयर उन कंपनीज का है जो डिजाइन कर रही है ताइवान में तो सिर्फ प्रोडक्शन होता है मतलब फैक्ट्री लगी हुई है फाउंड्री लगी हुई है अब ये फाउंड्रीज क्या इंडिया में लग सकती है इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लाया गया और इसके पीछे एक और कारण भी है हमने पिछले दो सालों से देखा है कि वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज चल रही है जिसकी वजह से कार और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की भी प्रोडक्शन इफेक्ट हुई है आपके फोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स की भी प्रोडक्शन इफेक्ट हुई है उसके कारण क्या है कोविड 19 में लॉकडाउन लग गए तो लॉकडाउन की वजह से ताइवान और चाइना में जो यूनिट्स थे सेमी प्रोडक्शन के वो खत्म हो गए रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से शॉर्टेजेस हो गई रॉ मटेरियल्स के लिए क्योंकि रशिया और यूक्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स देते थे इन इंडस्ट्रीज के लिए तो वो रुक गया स्टॉक पाइलिंग करने लग गई कंपनीज तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने स्टोर करने लग गए सामान सेमी के लिए और इसकी वजह से भी शॉर्टेज होगी वर्ल्ड में इनफैक्ट इलॉन मस्क की स्टेटमेंट है कि इस वजह से साढ़े सात मिलियन व्हीकल्स जो है वो बन नहीं पाए पिछले दो साल में क्यों क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो और इलॉन मस्क जो कहते हैं आप लोग सुनते हैं तो इसलिए बता दिया मैंने एनीवेज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसी वजह से लॉन्च हुआ ताकि हम इस पूरी वैल्यू चेन डिजाइन से लेके आखिरी जो इंटेग्रेशन है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सके और इस सेमीकंडक्टर के बिजनेस में आत्मनिर्भर बन सके इंडिया की जो सेमीकंडक्टर की कंजम्पशन है वो 1.1 ट्रिलियन रुपीस जो कि बहुत ज्यादा और इंडिया जो है अपना 100% सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है जिस पे वो 24 बिलियन डॉलर हर साल खर्च करता है तो ये 24 बिलियन डॉलर क्या हम कुछ हद तक बचा सकते हैं और बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है आपको मैं बात बता दूं कि कि ऐसा नहीं है कि भारत में चिप नहीं है है भारत भारत में में चिप चिप डिजाइनर 25,000 इंजीनियर्स ऐसे क्वालिफाइड हैं हैं जो डिजाइनिंग करते लेकिन किसके लिए करते हैं फॉरेन कंपनीज के लिए करते हैं फॉरेन कंपनीज की डिजाइनिंग के लिए करते हैं तो एक्चुअल में सारा का सारा रेवेन्यू जो जा रहा है वो फॉरन कंपनीज को जा रहा है यहां पर भारत को कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है अब आगे इसमें स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और उसको डिजिटल इंडिया के अंदर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंडर लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आती है और इसमें चार स्टेजेस की जो प्रोडक्शन होती है ना उसके लिए इंसेंटिव लॉन्च किए गए अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इसकी टोटल आउटले रखी गई है अगले छह साल के लिए सेवेंटी सिक्स थाउजेंड करोड़ क्या यह सफिशियंट है हो सकता है ना हो लेकिन एक शुरुआत जरूर है इसमें हम क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन फैब्रिकेशन के लिए जो कंपनीज फेमस है ना वो इंडिया में आके इसे प्रोड्यूस करें इसे फैब्रिकेट करें इसे असेंबल करें तो उसके साथ साथ हमने क्या करना शुरू कर दिया है कि इंसेंटिव देना शुरू कर दिया फिफ्टी परसेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट 40 परसेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 परसेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट तक का इंसेंटिव किनको देंगे फैब्रिकेशन यूनिट बनाने के लिए आपको मैंने बता दिया था फैब्रिकेशन यूनिट क्या होता है फिर डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट बनाने के लिए और भी ज्यादा तो एलईडी एलईडीड ये सब जो डिस्प्ले के लिए काम आते हैं उनके लिए भी इंसेंटिव बनाए गए हैं साथ ही साथ आपकी असेंबली यूनिट्स पैकेजिंग यूनिट्स जिनके बारे में मैं समझा चुका हूं उसके लिए भी इंसेंटिव दिए गए हैं और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि भारत में डिजाइन को प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी इंसेंटिव दिए गए हैं तो अब हम देख सकते हो कि पिछले समय पिछले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था सेमीकॉन इंडिया और सेमीकॉन इंडिया के अंदर बेंगलुरु में तीन दिन की सभा हुई थी जिसमें आपने सारी सेमीकंडक्टर कंपनीज को यहां पे बुलाया और उनको प्रमोट किया इंडिया को कि हां यहां आके आप सेमीकंडक्टर्स बनाएं बनाए तो 22,900 करोड़ रुपीस आईएसएमसी यानी कि इंटरनेशनल सेमीकंडक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने भारत में इन्वेस्ट करने के लिए मान गया है और हो सकता है कि बेंगलुरु के आसपास मैसूर के आसपास एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट भी बना दिया जाए जो भारत का पहला होगा अगले दो साल के अंदर-अंदर ऐसा आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा तो जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की सेल्स पिच की कि आप यहां आए क्योंकि यहां पे 130 करोड़ भारतीय को डिजिटल इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा टेक्नोलॉजी के लिए बहुत रेवोल्यूशनरी कंट्री है रिफॉर्म्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कर चुके हैं 76,000 करोड़ हम अपनी तरफ से लगाने के लिए तैयार है तो आप इंडिया में आए और सेमीकंडक्टर्स बनाएं लेकिन इतना आसान काम नहीं है इतना आसान काम क्यों नहीं क्योंकि चैलेंजेस है एक फाउंड्री यूनिट को बनाने के लिए 15 से 20 बिलियन डॉलर लगते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पैसा कम है तो जितना पैसा वो लगा रहे हैं, चाइना वगैरह जैसी कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है और चाइना से आप यह भी सीख सकते हो कि पिछले 20 सालों से चाइना ने बिलियन ऑफ डॉलर लगाए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर मीन नॉट वन और टू बिलियन सिक्स हंड्रेड बिलियन डॉलर लेकिन अभी भी वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 16 परसेंट शेयर ले पाया है तो क्या इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इतना पैसा लगा सके दूसरा सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए स्टेबल और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए क्या हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को ये प्रोवाइड कर पाए हैं इस पर एक सवाल या निशान है तीसरा अल्ट्रा प्योर वाटर सप्लाई चाहिए फेब्रिकेशन यूनिट्स को हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर एक फैक्ट्री एक फेब्रिकेशन यूनिट वेफर बनाता है, है, तो उसको क्यूबिक मीटर ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है, और इतना तो बीस हजार लोगों के विलेज को सस्टेन कर सकता है एक दिन में तो क्या इतना पानी आपके पास अवेलेबल है और आज के टाइम में जहां ग्राउंड वाटर लेवल्स बहुत कम हो रहे हैं तो इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं फेब्रिकेशन यूनिट्स को लेकर लेकिन इसका भी एक तरीका है आप सेमीकंडक्टर्स की वैल्यू चेन में एंटर कर सकते हैं लेकिन सिर्फ करिए ना जहां पे आपको कम है और जहां पे आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा तो कर सकते हो ट्रिपल आई में डिजाइनिंग के लिए कोर्सेज बनाए और इंजीनियर्स तैयार करें स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करें जो इंडिया के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो एक ये चीज हो सकती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर बनाओगे आईपी राइट्स अगर आप खरीद लोगे तो फिर आपके पास क्या होगा आपके पास किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टाइप की चिप्स में मोनोपली आ सकती है और अगर ऐसा आप कर सकते हो तो फिर आप मार्केट लीडर बन सकते हो दूसरा आप फैब्रिकेशन यूनिट लगाए तो सही लेकिन लो एंड चिप्स के लिए यानी कि जिसमें एक से दो बिलियन डॉलर में काम चल जाए ऐसे स्पेशलाइज चिप्स के लिए फैब्रिकेशन यूनिट मत लगाए साथ ही साथ आप Assembly, testing और packaging वाले सेक्टर में क्षेत्र में ज्यादा फोकस करे तो बेहतर होगा जैसे हमने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में देखा है हाँ ऐसा जरूर है कि इसके लिए रॉ मटेरियल हमें दूसरी कंट्री से लाने पड़ते हैं लेकिन हम एक दो तीन साल के अंदर सीधा ही सेमी कंडक्टर करने नहीं लग सकते इसमें दस से पंद्रह से बीस साल भी लग सकते हैं और इस लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के लिए हमें तैयार रहना होगा और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर जरूर फ्यूचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है एक सनराइज इंडस्ट्री है इनफैक्ट प्रेजेंट में भी तो इसके लिए ये कदम उठाएं तो हो सकता है आगे जाके हम फाइव क्या टेन ट्रिलियन डॉलर पे भी जा सकते हैं सो दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो आई रियली होप यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ई मेल आई डीज थैंक यू